ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मेरा नाम है किरण मोरे, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं. आप लोगों ने अपना करियर पाठ जो है वो गुरुकुल को चुना है, तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा आप लोगों को कि गुरुकुल ने आपका हिस्सा जो है वो बनने का आपने एफर्ट किया है. और एज अ डायरेक्टर गुरुकुल परिवार के अंदर मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूँगा कि आज से अपना एक नया इनिशिएटिव लिया आपने, स्टार्ट किया. आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि गुरुकुल जो है वो है क्या, क्योंकि जब कोई भी पर्सन गुरुकुल के साथ जुड़ता है तो बेसिक चीज़ें उसको क्लियर होती है, उससे ज़्यादा चीज़ें उसको क्लियर नहीं होती. तो आज हम डिटेल्स के अंदर बात करेंगे कि गुरुकुल करता क्या है, गुरुकुल है क्या, गुरुकुल की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गुरुकुल स्टार्ट हुआ क्यों और उसके पीछे की वजह क्या है, जिससे आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे. 2016 से पहले मैं और विशाल सर हम दोनों मिलकर एक कहीं जॉब कर रहे थे, जहाँ जॉब करने के टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी हमारे साथ हुई कि वहाँ पर आकर हम रुके और हमने एक दूसरे के साथ डिस्कशन की कि हम आज अपना 100% दे रहे हैं कई कंपनियों के अंदर काम करने में, लेकिन हमें जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो 100% नहीं मिल रहा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कमी जो हमें दिखी वो इस चीज़ की कमी दिखी कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, राइट प्लेटफॉर्म. तो फिर हम दोनों ने सोचा कि हमारे जैसे तो कितने लोग हो गए कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत खाली ये है उनके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं है. तो ये विचार के साथ हमने गुरुकुल स्टार्ट किया और हमने इसी के लिए गुरुकुल जो है उसकी जर्नी हमने स्टार्ट की एक विचार के साथ. When you stop learning, you stop growing. जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं सीखना बंद कर देता है तो वहीं से उसका ग्रोथ जो है वो अटक जाता है. जैसे कि कहा जाता है, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान धीरे धीरे सड़ना लगता है. तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं एक जगह रुक गए ना, तो कहीं ना कहीं वहीं से आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे. तो आपको ऑलवेज आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो ग्रो करते रहना पड़ेगा, बराबर. और जो जो चीज़ें अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको साथ में आपको नोट डाउन करना है, तो आपको लिखते भी जाना है जो यहाँ पर पीपीटी के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा. आगे बात करते हैं, गुरुकुल जो है तो गुरुकुल के पास एक विज़न है. हम आज काम कर रहे हैं तो हम ऐसे ही काम नहीं कर रहे. हमारी तरह लाखों हज़ारों कंपनियाँ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक विज़न है. और ये विज़न क्या है, 5000 MSME कंपनियों को हम 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं. और 5000 MSME कंपनियों का मतलब ये है कि जिन लोगों ने छोटे लेवल पर अपना बिजनेस शुरू किया है उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है जब उस बिजनेस को बड़ा करने की बारी आती है, लेकिन उनको गाइड करने वाले लोग जो है वो मार्केट में बहुत कम है. क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ हमने देखी है जो कॉरपोरेट के लिए काम करती है, MSME के लिए काम नहीं करती. तो MSME का मतलब ही ये होता है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में हो. तो ये जितनी भी कैटेगरीज के अंदर जो बिजनेसमैन आते हैं ये सभी लोग अपने TG है, टारगेट ग्रुप है, और उन लोगों को टारगेट करके उनको हम अपने साथ लेकर 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, वो भी 31 दिसंबर 2027 से पहले. तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारा विज़न क्या है. उसी के साथ हम बात करेंगे कि ये विज़न को अचीव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा. तो हमें करना ये पड़ेगा हमारा मिशन कि हम डेवलप करेंगे सिस्टम और मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो है वो अनऑर्गेनाइज है. और अनऑर्गेनाइज होने का रीज़न क्या है, वो बिजनेस जो है वो पर्सन सेंट्रिक है. और जब कोई बिजनेस पर्सन सेंट्रिक होता है तो धंधे वाला खुद धंधे में होता है तब उसका धंधा अच्छा चलता है. जब वो धंधे वाला खुद धंधे में से निकल जाता है या कुछ कारण से नहीं आ पाता है उसका धंधा ग्रो नहीं होता है. तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सारे बिजनेस जो चल रहे हैं MSME वो अनऑर्गेनाइज है, और अनऑर्गेनाइज होने के कारण हो क्या रहा है, उनके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन सिस्टम और मैनेजमेंट न होने के कारण वो ग्रो नहीं हो रहे. तो एज अ गुरुकुलियंस हम क्या करते हैं, हम लोगों के वहाँ जाते हैं, उनकी सिस्टम और मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का काम हम करते हैं. इसी के लिए हमने हमारा गोल लिया हुआ है, और हमारा गोल क्या है, हम प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल
जिससे आप और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल होते हैं। तो आप लोगों के पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल को अचीव करना और जिसके साथ हम काम कर रहे हैं हमारे कस्टमर उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल को अचीव करना, ये गुरुकुल का गोल है। तो आज एक टास्क आप लोगों को करना है, आप साइट पर ऐसा हो तो लिख लेना, आज के दिन में एक पेपर के ऊपर आपको 5 अपने पर्सनल गोल और 5 अपने प्रोफेशनल गोल जो है वो लिखकर आपको मुझे फोटो क्लिक करके भेजना है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा मैं उसी के हिसाब से आपको ग्रोथ प्लान बताऊँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पर्सनल एंड प्रोफेशनली ग्रो कैसे हो सकते हो। डन, आगे बढ़े। ओके, हमारा मंत्रा है ग्रोथ इज लाइफ, हमारी टैगलाइन है वी मीन्स बिजनेस। हम मतलब बिजनेस का ये कारण होता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं, जैसे लाइन वहीं से शुरू होती है ऐसा बोला जाता है, तो हम जहाँ किसी के साथ जुड़ते हैं इसका मतलब ये होता है कि उसका बिजनेस वहाँ से ग्रो होना शुरू होता है। तो हमारे साथ जुड़ने का पर्पस लोगों का ये होता है उनके बिजनेस को ग्रो करना। इसलिए हमारे साथ कनेक्ट होने के कारण आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। तो हमारा मतलब बिजनेस, ये हमारी टैगलाइन। हम एक बहुत बड़े बीहेक के ऊपर काम कर रहे हैं और बीहेक का मतलब एक होता है बिग हैरी ऑडिशियस गोल, जो सोचने के लिए और लोगों को बताने के लिए असंभव लगे लेकिन आपके माइंड के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि ये पूरा हो सकता है। तो गुरुकुल का खुद का भी एक बीहेक है और गुरुकुल ने बीहेक क्या लिया है कि हम आने वाले टाइम में 5,000 करोड़ की कंपनी खुद बनने वाले हैं। गुरुकुल कंपनी को हमें 5,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। 50,000 से ज़्यादा टीम मेंबर को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं और एक कंट्री के अंदर आज हम काम कर रहे हैं, हम 100 कंट्री के अंदर काम करना चाहते हैं और 31 दिसंबर 2027 से पहले ये चीज़ों को भी हम अचीव कर लेंगे। और आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ 7 साल में इसलिए मैं आप लोगों को बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन जो हमने हमारी एप्लीकेशन बनाई हुई है और ऑनलाइन जो हमने हमारे वीडियोस को लेकर चैनल बनाई हुई है उस चैनल को देखने वाले लोग जो है वो 50 से ज़्यादा कंट्री के ऑलरेडी हो चुके हैं जो हमारे वीडियो आज देख रहे। तो कहीं ना कहीं हमने जो सोचा था आज से 5 साल पहले की जो सोच हमारी थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती जा रही है। अब आने वाले टाइम में उन्हीं को हमें कहीं ना कहीं अपनी जो प्रोडक्ट है अपनी जो सर्विस है वो हमें उनको डिलीवर करना है। और 50,000 लोगों की टीम बनने वाली है और आप पहले 50 हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में एक पूरा एम्पायर आपका होगा जिसको लीड करने का मौका आपको यहाँ मिल सकता है। मतलब आपका भी कहीं ना कहीं अगर एक सपना है कि मुझे भी अपना बिजनेस करना है तो गुरुकुल वो अपॉर्चुनिटी आपको देगा, आपके साथ मिलकर काम करेगा और आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि हमें एम्प्लॉय माइंडसेट वाले लोग नहीं चाहिए, हमें वर्कर काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग यहाँ पर चाहिए जो गुरुकुल के अंदर आने के बाद उनको ये फील हो कि ये मेरी कंपनी है। और ये सोचकर जब आप इस कंपनी के अंदर काम करते हो तो आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपका खुद का माइंड ऐसा लगना चाहिए कि अब मुझे क्या करना। और ये निशानी होती है ग्रोथफुल माइंडसेट वाले बंदे की जो आपको अपना बिल्ड करना है, बराबर। तब जाकर ये 5,000 करोड़ की कंपनी होगी तो 50,000-100 करोड़ के मालिक आप भी होगे। क्योंकि हमें वो बांटना है, हमें सारा 5,000 करोड़ घर नहीं लेकर जाना है, ये हमारा पहले से सपना रहा है। हमारा ये सपना है जो हम हर बार लोगों को शेयर करते हैं, गुरुकुल में आने वाला बंदा खुद की कार में आना चाहिए, खुद के घर में रहना चाहिए और उसका खुद का एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। और यही चीज़ कहीं ना कहीं हम बिल्ड करना चाहते हैं। हमें जो करना था पिछले 7 साल में हमने अचीव कर लिया है, अब हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के जो सपने हैं वो हमें पूरे करने हैं और इसी पर्पज़ से हमने ये कारवा जो है वो हमारा आगे कंटिन्यू रखा। और आज बहुत ही ज़्यादा खुशी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि गुरुकुल जो है वो पान इंडिया काम कर रहा है। इंडिया के हर कोने के अंदर गुरुकुल अपनी कंसल्टिंग कर रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया हमारे क्लाइंट बन चुके हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। हमारी हेड ऑफिस जो है वो सूरत के अंदर है,
हमारी ब्रांच ऑफिस जो है वो राजकोट के अंदर है, और राजकोट से हम पूरे सौराष्ट्र को यहाँ पर डेवलप करते हैं, और सूरत ऑफिस से हम पूरे इंडिया को ऑपरेट करते हैं। और आज गुरुकुल की टीम तकरीबन 45 लोगों की बन चुकी है, और ये आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को कि आने वाले टाइम में आपको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जाएगी। तो आज आप जो काम कर रहे हो, आगे जाके वही काम आपको लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा। तो जितना अच्छा आप अपना काम करोगे, उतना ही जल्दी आपको अवसर मिलेगा कि आप लोगों को यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। क्लियर? आगे बात करते हैं। वाई गुरुकुल? बहुत सारी कंपनियां आज मार्केट के अंदर है ट्रेनिंग देने वाली, कंसल्टिंग देने वाली, लेकिन गुरुकुल ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये आता है कि गुरुकुल के साथ ही मैं क्यों जोड़ूं। तो वहां पर आप लोगों के माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए जो आप लोगों को क्लियर कर पाओगे। तो वाई गुरुकुल के अंदर सबसे पहली चीज होती है, बिल्ड करते हैं हम लोगों के लिए उनका विजन, मिशन और गोल। कि कोई भी कंपनी का ऑनर जब हमारे साथ जुड़ता है, अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर करता है, अपनी चीज़ें हमारे साथ बांटता है, उसके बाद हम उनके पूरे बिजनेस का एनालिसिस करके सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम सभी लोगों के विज़न, मिशन और गोल बनाने में उनको सपोर्ट करते हैं। और विज़न, मिशन, गोल जो होता है वो 5 साल 10 साल का बनता है। और ये विजन, मिशन, गोल खाली उन लोगों के लिए नहीं होता है, यही विजन, मिशन, गोल आप लोगों के लिए भी होता है। तो आपको 5 साल के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या हासिल करना है, ये आपके माइंड में रखना नहीं है, आपको उसको ऑन पेपर लाना है। और ऑन पेपर लाकर आपको हमारे साथ इन चीज़ों को शेयर करना है कि मेरे माइंड में ऐसा कुछ प्लानिंग है। और मेरी ये गारंटी है एज अ डायरेक्टर, मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आने वाले टाइम में 5 साल अगर आपने गुरुकुल को दे दिया, तो गुरुकुल आने वाले 5 साल में आपके सारे सपने जो है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा। कंडीशन अप्लाई ये है कि विदाउट कंडीशन काम करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ओके। सेकंड जो हम क्या करते हैं, तो सेकंड हम करते हैं सिस्टम सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम बिल्ड करते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोग भी होते हैं, टीम भी होती है, ऑनर भी होते हैं, लेकिन होता यह है कि सभी लोगों का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होता। तो गुरुकुल सेकंड पार्ट के अंदर सभी कंपनियों के अंदर जाकर उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसको फिर से रीडिज़ाइन करता है, या बना ही नहीं है तो उसको बनाने में सपोर्ट करता है। क्योंकि हर कंपनी का एक ढांचा ऐसे होना चाहिए कि सबसे पहले ऑनर होते हैं, उसके बाद उसका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के बाद उसकी टीम के लीडर होते हैं, और टीम के लीडर के अंदर बाकी सारे काम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन कई कंपनियों के अंदर होता यह है जैसे ही काम आ जाता है सब लोग लग जाते हैं, और हर बंदा एक काम के पीछे भाग रहा होता है। तो होता क्या है, अल्टीमेट एंड ऑफ द डे जब काम का रिजल्ट मांगा जाता है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग होता है, और क्या बोला जाता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये इनकी जिम्मेदारी थी। तो जब पहले से ही काम सभी लोगों को बांटा गया है, सबको रोल अपना क्लियर कर दिया गया है, तो सबको क्लियरिटी होगी कि मुझे यही करना है और इसी में मुझे एक्सपर्ट होना है। और वही सेम चीज़ गुरुकुल के अंदर भी है। गुरुकुल के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी हमने बिल्ड किया हुआ है हमारा राजकोट का स्ट्रक्चर। ब्रेक एक ले लीजिए ना, ब्रेक रखो। तो छे ने मैंने पेलो बोर्ड आपी दो पाछड़ी, अने अहीं छे ने आ हूँ चेर लई लो, कारण के वच्चे आपने एनी पण जरूर पड़शे। वही क्लिप निकाल दो ना, वो क्लिप के साथ नहीं चाहिए मुझे, क्लिप निकाल दो खाली, और बोर्ड ले लो और मार्कर और पेन दे दो। कुछ चीज़ें क्या आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा मुझे, तब आपको क्लियर होगा। कोई बात नहीं, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है जितनी भी बातें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी। हिंदी के अंदर पूरा का पूरा जा रहा है, और अपना गुजराती टर्न रहता है, तो थोड़ा उसको अब रिपेयर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम यहाँ से
पूरे इंडिया में काम करने वाले, तो आप लोगों का हिंदी जो है वो थोड़ा और अच्छी तरीके से डेवलप हो, हम चाहते हैं। तब तक आप लोग एक काम ये कीजिए, एक पेज ले लीजिए और इस पेज के ऊपर आप लोगों को लिखने हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल। आप भी ये वाली चेयर कोई ले लो ना, वो वाली चेयर ले लो, वो बीच बीच में है ना। रह नहीं रही है, हाँ ये इसके ऊपर रह नहीं रहा। इसकी हाइट बढ़ा दो ना चेयर की, बस ये इसको भी कैमरे में ले ले, आएगा इसको मैं यहाँ ले लूँगा जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आएगा, इसका स्टैंड है कि नहीं अपने पास? आ रहा है फुल, डन इसके नीचे मत करना चाहिए। हाँ मतलब यहाँ तक ही मैं लिखूंगा, बरा यहाँ तक का ही आपको लेना है। आप पीछे हो जाओ, इस कॉर्नर में आ जाओ, कॉर्नर में आ जाओ, बस डन। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों के बीच में बात की कि किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि गुरुकुल की जो हमारी राजकोट की ब्रांच है उसका स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारी कंपनी, ओके। कंपनी को चलाने वाले दो डायरेक्टर है, तो दो डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर रहेंगे, किरण सर और विशाल सर। उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के अंदर आएंगे कृष्णा मैडम और अमन सर। और उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि एक डिपार्टमेंट हो गया सेल्स का, दूसरा डिपार्टमेंट हो गया सर्विस का, तीसरा डिपार्टमेंट हो गया अकाउंट का, चौथा डिपार्टमेंट हो गया मार्केटिंग का। और आप लोगों को पता ही है आप कहाँ पर आते हो, बराबर। तो ये डिपार्टमेंट के अंदर आप आते हो। तो अब ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए इसलिए मैंने ड्रॉ किया है कि यहाँ पर जो नीचे टीम है, आ रहा है उसमें, ओके। यहाँ पर जो नीचे टीम है उस टीम के अंदर अभी आपने काम करना शुरू किया है एज अ असिस्टेंट। तो आप लोगों को सबसे पहला मौका ये है कि आने वाले 6 महीने या आने वाले 1 साल में आपको ये डिपार्टमेंट का लीडर बनना है या HOD बनना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। ये जब आप बन जाते हो वहाँ से आपको एलिजिबल होने का मौका मिलेगा आने वाले 2 साल के अंदर कि आप आ सकते हो कोर टीम के अंदर। और कोर टीम के अंदर अगर आपने बेहतर परफॉर्म किया, मैनेजमेंट टीम के अंदर अगर बेहतर परफॉर्म किया, तो आप बन सकते हो कंपनी के डायरेक्टर। क्योंकि आज जो अमन सर यहाँ पर डायरेक्टर है, आज जो कृष्णा मैडम यहाँ पर डायरेक्टर है, तो अमन सर ने भी अपना करियर यहीं से शुरू किया था, कृष्णा मैडम ने भी यहीं से शुरू किया था। और वो अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका जर्नी यहाँ तक गया है, तो आपका भी हो सकता है, बराबर। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एज अ पार्टनर जुड़े, न कि एज अ टीम मेंबर।
क्लियर है, आगे बढ़ते। उसके बाद ये चीज़ों को हासिल करने के लिए डायनेमिक टीम चाहिए। तो हम हर एक कंपनी को बिल्ड करने के लिए पहले ऑनर को डेवलप करते हैं, और ऑनर डेवलप होने के बाद उनकी एक अच्छी टीम बनाते हैं। तो आप भी एक टीम के पार्ट हो, तो आपको भी अपने आप को डायमंड की तरह बिल्ड करना है। और गुरुकुल के साथ जो जुड़ते हैं तो उनके साथ भी यही चीज़ होती है। उसके बाद होता है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। हम लोगों को सपोर्ट दो जगह करते हैं, प्लानिंग बनाने के पीछे भी और उसको एग्जीक्यूट करने के पीछे भी। जब लोग ट्रेनिंग में आते हैं तो ट्रेनिंग में होता ये है, हम उनको प्लान बना के दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। और जब हम लोगों के साथ कंसल्टिंग में जुड़ते हैं तो हम उनको प्लानिंग बनाने में भी सपोर्ट करते हैं और एग्जीक्यूशन के अंदर भी हम उनको हेल्प करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जब हम किसी कंपनी को डेवलप करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा काम हमें करना होता है लीडरशिप के ऊपर। तो उसके जो ऑनर्स होते हैं उन लोगों को डेवलप करने का काम हमें करना होता है, और उनकी लीडरशिप को चेंज करने का काम हमें करना होता है, क्योंकि उनका माइंडसेट जो होता है वो पुराना होता है और बिजनेस जो है वो नया हो गया होता है। तो उसके हिसाब से उनको डेवलप करना ज़रूरी होता है। उसके बाद छठा फायदा ये रहता है जो मैंने आप लोगों को बताया, हर इंसान जब गुरुकुल के साथ जुड़ेगा, चाहे वो टीम मेंबर हो चाहे वो कस्टमर हो, उसके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल यहाँ से वो पूरा करेगा। और लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है राइज एज अ ब्रांड इन मार्केट, कि आप अगर अपनी कंपनी को एक ब्रांड लेवल पर डेवलप होते हुए देखना चाहते हो तो आपको गुरुकुल के साथ जुड़ना है। क्योंकि गुरुकुल के साथ जुड़ने के ये 7 बेनिफिट हैं और ये 7 कारण भी हैं जो आज मैंने आप लोगों के बीच में यहाँ पर शेयर किए। अब इसमें से कोई चीज़ अगर आपको न पता चल रही हो या न क्लियर हो रहा हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों को हम लोगों को डिलीवर कैसे करते हैं। तो ये होती हमारी सर्विस। तो हमारी गुरुकुल की जो सर्विस है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम करते हैं जो वन डे के होते हैं, ओपन प्रोग्राम होते हैं, जो खाली बिजनेसमैन लोगों के लिए होते हैं, और वहाँ पर हम बिजनेसमैन को डेवलप करने के लिए एफर्ट करते हैं। सेकंड चीज़ जो हमारी यहाँ पर रहती है वो है टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिजनेस जैसे ही ग्रो होना शुरू होता है तो बिजनेस खाली अकेले लीडर से ग्रो नहीं होगा, उसको चाहिए टीम। तो टीम को बिल्ड करने का काम, टीम को ट्रेन करने का काम, और उनको आगे ग्रो करने के लिए 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या साल भर के लिए अलग अलग हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, वर्कशॉप डिज़ाइन करते हैं, और वो उनकी टीम को हम गाइड करते हैं। जिसमें सबसे खास हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है जिसका नाम है काश, जो आप लोगों को भी आने वाले टाइम में इसकी ट्रेनिंग मिलेगी। काश के अंदर आता है नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट। अभी जाओ ले आई। हाँ तो ये जैसे मैं कीधुँ ना कि छेज। हाँ हमें पेलू जो मोटा वालू जो है ये पेला में नाखी दो, अने नानू वालू जो है तो लैपटॉप में नाखी दो, एटले थई जाए। थोड़ो आगळ आवी जाओ मैडम। આગળ પણ છે, કંઈ નહીં, પાછળ નાખો, આગળમાં એ છે જ, પાછળ હોય તો પાછળ નાખી દો, અને એક વાર આ બાજુની સાઈડથી નાખી દો, અને અબાઉટ ગુરુકુલ જે છે ને એ એક પ્લે કરો, એક વિડીયો પ્લે કરીને જોઈ લ્યો। ગુરુકુલ કા એક જર્ની હૈ વો યહાં પર હમ વિડીયો કે સાથ આપ લોગો કે સાથ એક્સપ્લેન કરેંગે ઓર એક વિડીયો દેખેંગે। આ બાજુ છે, આ બાજુ, એ બાજુ નથી, થોડું આ બાજુ લેપટોપ લઈ લો, તમારી બાજુ લઈ લો, પાછળથી એને ફરાવો આખો, બસ હવે પેલો એમ્પ્લીફાયર ચાલુ કરો પહેલાં। दो मिनट एम्पलीफायर पहले चालू करना है।
સ્વિચ હશે ત્યાં, સ્વિચ પાડવી પડશે પહેલાં. થઈ ગઈ રેડ લાઇટ? રેડ લાઇટ થઈ ગઈ ને? હવે વિડીયો પ્લે કરો. હવે સેટ કરો. આવી ગયું. રેડી? હા, કઈ નહીં, વાગવા દો, કઈ વાંધો નહીં. જયભાઈ, એક નવું ડસ્ટર અને ચાર પાંચ માર્કર લઈ લો ને, નવા. નહીં નહીં, નવું નવું લઈ લો. અને પરમનન્ટ નહીં લેતા માર્કર? બોર્ડવાળા? હા. ફિર સે પીપીટી પર આજો. ડન? રીટેક કે સ્ટાર્ટ? जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड पार्ट के अंदर हम टीम को ट्रेन करने का काम करते हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो है थर्ड पॉइंट, कि ये जो है ये गुरुकुल का यूएसपी है, जिसको हम कहेंगे बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग. आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो ट्रेनिंग देने के पीछे लगी हुई है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं. और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि मार्केट में आज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कि कोई भी चीज़ अगर आपको ना पता चले, आप गूगल पर चले जाओ, सर्च करो, उसका आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा. लेकिन ज़्यादातर बिजनेसमैन को दिक्कत यह आती है, जो ट्रेनिंग वो लेकर आते हैं उसको अपने धंधे में इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना. तो हम कंसल्टिंग जो करते हैं, कंसल्टिंग के अंदर हम उनके बाहर जाते हैं, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए वो हमारे साथ जुड़ते हैं. वीकली हमारी यहाँ पर मीटिंग्स होती है, और टास्क टू टास्क हम यहाँ पर उनके साथ काम करते हैं. तो जितनी भी चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करनी होती है, वो इम्प्लीमेंट करने में, उनके टूल्स बनाने में हम उनको सपोर्ट करते हैं. और ये करने वाली कंपनी इंडिया में पहली है, और वो गुरुकुल है. तो आप लोगों के लिए सबसे प्राउड वाला अगर कोई चीज़ होना चाहिए, मतलब छाती टोककर अगर आपको लोगों को जो चीज़ बतानी चाहिए, वो ये है कि हम कंसल्टिंग करते हैं सर, हम ट्रेनिंग नहीं करते. और लास्ट में हमने यहाँ पर रखा हुआ है कस्टमाइज सपोर्ट, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वन मैन आर्मी होते हैं, उनके पास टीम नहीं होती है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है, बहुत बड़ा उनको करना होता है, लेकिन उनके पास पैसे की भी दिक्कत होती है. तो उसी चीज़ के कारण हमने कस्टमाइज सपोर्ट करना शुरू किया है, जहाँ पर हम हमारी प्रोडक्ट 1 रुपये की भी हमने रखी हुई है ट्रेनिंग, कि जो उन लोगों को देकर उनको भी डेवलप करने में हम अपना कंट्रीब्यूट करें. और 99 के लिए, 999 के लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कि जो ऐसे बिजनेसमैन लोगों के साथ भी हम जुड़े जिनको बड़ा होना है लेकिन उनको पैसा का दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये हमारा पूरा का पूरा कस्टमाइज सपोर्ट हो गया. तो ये 4 हमारे कोर स्टेप है, जिसके साथ ये कंसल्टिंग, ये सर्विस है हमारी, जिस सर्विस को देकर हम मार्केट के अंदर बूम कर रहे हैं. क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि ये चारों चीज़ों के अंदर डिपार्टमेंट क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर करते हैं. तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जितने भी उद्योग साहसी है उन लोगों के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं. तो जितने भी उद्योग साहसी है उनके लिए सबसे पहले हमारा ओपन मीटिंग होता है.
ओपन मीटिंग ऑलरेडी हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम हम लोगों के बीच में जाके करते हैं, एसोसिएशन के साथ करते हैं, और ये प्रोग्राम हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं एक अच्छे लोग जो है उनका जो डेटा है वो वहाँ से हमें मिले और अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े और उनको एक फ्री का टेस्ट मिले। उसके बाद सेकंड चीज़ हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस बिल्डिंग स्ट्रेटजी, जिसको आपने नाम सुना होगा BBS। और मेरे ख्याल से जब कोई गुरुकुल ज्वाइन करता है ना, तो सबसे पहले उसको BBS का प्रोग्राम दिखाया जाता है। विशाल सर ने वो कंडक्ट किया हुआ है और मेरा वहाँ पर एंकरिंग रहता है। तो ये प्रोग्राम ही स्पेशल हमने उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जिसकी टिकट साइज खाली 3,000 है, जिसमें 4 घंटे का वर्कशॉप होता है। और उस 4 घंटे के अंदर हम लोगों को ये बताते हैं आपका बिजनेस कौन से स्टेज पर है और उस स्टेज से आगे जाने के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप में होते हैं, कुछ बिजनेस ग्रोथ लेवल पर पहुंच गए होते हैं, कुछ बिजनेस के अंदर सैच्योरिटी पॉइंट आ गया होता है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं धीरे धीरे डिक्लाइन जा रहे होते हैं, मतलब घाटे में जा रहे होते हैं। तो सबको अपनी सिचुएशन के हिसाब से कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो वो डिसीजन के लिए हम स्ट्रेटजी बनाकर उनको वहाँ पर देते हैं। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम हो गया। थर्ड प्रोग्राम उसके बाद हम करते हैं सेल्स ग्रोथ प्रोग्राम, जो मेरे हिसाब से अभी रिसेंटली हमने किया था और आप सब लोगों ने उसको पार्टिसिपेट किया है। तो सेल्स जो है वो हर बिजनेस का बैकबोन है। बिजनेस को कितना भी बड़े लेवल पर अगर ग्रो करना है तो उसके सेल्स को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, या अलग अलग तरीके की सर्विसेज के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सबको कोई चीज़ को अगर ग्रो करना होता है वो होता है सेल्स। तो उसको ग्रो कैसे किया जाए, उसका फनल कैसे बिल्ड किया जाए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और हमारा कोई भी प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है, हम प्रोग्राम करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्कशॉप। ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ़र्क इतना होता है, ट्रेनर आते हैं, अपने पॉइंट शेयर करते हैं, लोग नोट डाउन करके चले जाते हैं। और वर्कशॉप के अंदर होता क्या है, हम लोगों को एक्टिविटी शीट देते हैं। तो एक्टिविटी शीट से क्या, लोग जो प्रोग्राम को देख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद उसी चीज़ों को अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी हमारा USP है। उसके बाद अभी हमारा रिसेंटली 14वां LDP बैच हम कर रहे हैं यहाँ पर राजकोट के अंदर। तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है गुरुकुल का, कि जिस प्रोग्राम को अभी तक हमने सक्सेसफुली सूरत के अंदर 15 ब्रांच कर लिए है, यहाँ पर अभी हमने ऑलरेडी कर लिए है, ऑनलाइन भी हमने करने शुरू कर दिए। तो ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो सभी बिजनेसमैन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा या आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, गुरुकुल के संपर्क में कोई भी बंदा जब आए उसको LDP करना तो कंपलसरी है। ये LDP प्रोग्राम जो होता है वो 4 दिन का होता है, जहाँ 3 दिन अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम उनको बात करते हैं। पहला दिन होता है लीडरशिप के ऊपर, दूसरे दिन जब आते हैं टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, और थर्ड डे जो होता है वो होता है बिजनेस मैनेजमेंट, कि ऑल ओवर बिजनेस को हम कैसे बिल्ड किया जाए। और उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है उनका ग्रेजुएशन, जहाँ पर हम उनको ग्रेजुएट करते हैं कि आपने लीडरशिप कर ली, आप लीडर बन गए, तो उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रोग्राम है वो हम करते हैं यहाँ पर रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटेल से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे लोग रिटेल के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए पैसिफिक प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया हुआ है, रिटेल बिजनेस प्रोग्राम। ये भी 4 दिन का होता है, इसके अंदर भी अलग अलग टॉपिक उनके रिटेल को ध्यान में रखकर हम बिल्ड करते हैं, और ये भी LDP की तरह ही होता है। और उसके बाद हम करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये हमारा 6 महीने का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम टोटल 12 सेशन कवर करते हैं। हर 15 दिन के अंदर बिजनेसमैन को आना होता है, और ये नेक्स्ट ईयर के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी तक इसका कंटेंट डेवलप हो रहा था, अब इसको हम लॉन्च करेंगे। तो ये प्रोग्राम में 6 महीने के लिए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और 15 दिन के ऊपर एक सेशन उनको करना होता है। बाकी के टाइम पर हमारे रिव्यूअर होते हैं, वो 1 हफ्ते के बाद उनके वहाँ मीटिंग पे जाते हैं और जो उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे प्रोग्राम जो हो गए वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा कि गुरुकुल करता क्या है, वो आपको पता चला। इसके बाद हम करते क्या है, तो जो मैंने आपको बोला टीम को ट्रेन करना,
तो टीम को ट्रेन करने के भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हमने बिल्ड किए हुए हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर काम करते हैं गुरुकुल फॉर मैनेजर्स, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको ग्रो करने के लिए उनके लीडर तो तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन उनके मैनेजर्स जो होते हैं वो रेडी नहीं होते। तो ये मैनेजर्स को लेकर भी हमने 4 दिन का वर्कशॉप प्लान किया है, जहाँ पर मैनेजर्स को ये बताया जाता है कि आपको टीम को मैनेज कैसे करना है, टीम को बिल्ड किस तरीके से करना है और टीम को साथ में लेकर कैसे चलना है। अभी रेडी 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 वन टू थ्री स्टार्ट। ओके, टीम डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम मैनेजर्स को ग्रो करने का काम करते हैं, क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो हर कंपनी की सेकंड लाइन होते हैं। तो उन सेकंड लाइन के अंदर उनको ये समझना ज़रूरी होता है टीम को कैसे मैनेज करना है, सेल्स को कैसे बढ़ाना है, मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्या है, आपका रोल क्या है, लीडर को कैसे फ्री करना है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उनका भी ग्रेजुएशन होता है, उनको भी हम सर्टिफिकेट देते हैं। फिर हम करते हैं सेल्स की ट्रेनिंग। आज बहुत सारी कंपनी के अंदर सेल्स की टीम होती है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम ये होती है उस टीम के पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होती, सेल्स का JDKRA नहीं होता है, सेल्स का SOP नहीं होता है, सेल्स का स्ट्रेटजी नहीं होता है। तो रिटेल के लिए अलग मॉडल हमने डिज़ाइन किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल के लिए हमने अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन किया होता है। ये मिनिमम 3 कोर्स होते हैं और मैक्सिमम 6 होते हैं, और ये हर वीक में एक बार होते हैं। तो ये भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसकी फ़ीस जो होती है वो कस्टमाइज होती है कि उनकी टीम की कितनी साइज़ है उसके हिसाब से होता है। मिनिमम कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि 10 लोगों की टीम आपकी होनी चाहिए, और 10 लोगों की टीम आपकी नहीं है तो आपकी टीम के लिए जो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पर आपको अपनी टीम को भेजना, वो भी हम करते हैं। उसके बाद हमारा हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया काश, जो अभी थोड़े टाइम पहले भी हमारे डिस्कशन हुई। ये काश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपनी में कोई बंदा जब जुड़ता है तो जुड़ता है अपने टैलेंट के बेस पे, जुड़ता है अपने स्किल के बेस पे, जुड़ता है अपने विल के बेस में। लेकिन जब कोई बंदा किसी कंपनी को छोड़ता है तो उसके छोड़ने के 4 ही कारण होते हैं, और वो है काश। तो काश का फुल फॉर्म ये होता है नॉलेज, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल और एच फॉर हैबिट। तो ये 4 अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद हम कवर करते हैं SS, एक सेल्स का प्रोग्राम होता है और एक सर्विस का प्रोग्राम होता है। तो 6 प्रोग्राम हम टीम को गाइडलाइन देते हैं। उसके बाद हम करते हैं कस्टमाइज स्टाफ ट्रेनिंग। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिनकी 100 200 500 लोगों की टीम होती है, जिनको खुद को ही इन हाउस अपने प्रोग्राम करने होते हैं। तो पर्टिकुलर हम उनकी जगह पर जाते हैं, उनके जो सीनियर होते हैं, उनके जो डायरेक्टर होते हैं, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, पूरा एक एजेंडा हम क्लियर करते हैं, और हम ये जानते हैं कि उनकी टीम को क्या नॉलेज देना है। तो उसके बिहाफ पर हम ये कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पर हम उनकी टीम के अंदर जो सेल्स की टीम होती है उनका सेल्स करने का जो तरीका होता है उसका एनालिसिस करते हैं, और वहाँ पर क्या क्या गैप आता है वो गैप को क्लियर करके फिर हम पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। और ये कस्टमाइज होता है, ये पहले से मॉड्यूल तैयार नहीं होता है, ये कस्टमाइज डेवलप करके हम लोगों को ट्रेन करते हैं। इसमें भी मिनिमम 3 सेशन होते हैं, मैक्सिमम 6, उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद होता है एन्यूअल टीम ट्रेनिंग। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जिनके वहाँ बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि सर आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो 1 साल का, जिसमें आपको महीने में एक बार आना है और आपको ट्रेन करना है हमारी टीम को। तो ऐसे भी बहुत सारी कंपनियों के साथ हम जुड़ते हैं जहां पर पूरे साल उनकी पूरी टीम को हम ट्रेनिंग देते हैं। तो वो मिनिमम महीने में 1 सेशन होता है, महीने में 2 पड़ता है, और एज़ पर रिक्वायरमेंट भी रहता है। जहाँ पर हमारे ट्रेनर जाएंगे उनकी पूरी टीम को ट्रेन करेंगे।
तो ये पूरा का पूरा हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल हो गया है टीम को लेकर, कि इतने प्रोग्राम हम टीम को लेकर करते हैं। क्लियर हो चुका है? आप लोगों के चेहरे पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे, तो क्लियर हो रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना? क्योंकि आज तक आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको इतना डिटेल में किसी ने बताया नहीं है कि हम करते क्या। और आज आप लोगों के पास ये बोलती ना किताब खुल रही है कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि हम यहाँ पर है क्यों और हमारा यहाँ रहने का पर्पस क्या है। तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं, कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और अच्छा करने वाले हैं। इसके बाद हमारी मेन प्रोडक्ट है जो हम लोगों को बांटते हैं ट्रेनिंग और कंसल्टिंग के बीच। ये गुरुकुल का USP है कि हम 20% खाली ट्रेनिंग के अंदर है, जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, ऑनर को लेकर और टीम को लेकर। उसके बाद की 80% चीज़ हमारी है कंसल्टिंग। तो हमारा USP जो है वो कंसल्टिंग है, और कंसल्टिंग का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन करवाना, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमलीकरण करवाना। जैसे कि आज के टाइम में सबको पता सब कुछ है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता होने के बावजूद भी वो करते नहीं है। तो वो करवाने का काम जो होता है वो कंसल्टिंग के अंदर हम करते हैं। क्लियर? कैसे वो देखते हैं। तो कंसल्टिंग जो है वो है क्या, ये पहले हमें समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ कंसल्टिंग। क्योंकि ये हमारा USP है, तो ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है कि कंसल्टिंग किसको कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा उसका लाइन है, वो पहले आप लिख लो, उसके बाद में उसका एक्सप्लेन करूँगा कि ये है क्या। आधा घंटा और है हमारे पास, बराबर 1 बजे हम ब्रेक ले लेंगे, फिर इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे, जितना कवर होता है उतना कवर कर लेंगे। आप भी चेयर वगैरह कुछ ले लो ना, हमने पनिशमेंट आई भी वो लागे मैंने लेसन नहीं करू ने एट उभा उभा लेसन करो। ये मोबाइल के अंदर ये जो वॉक मेरा हो रहा है तो वो पूरा कवर हो रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ पूरा कवर हो रहा है। लिख लिया? ओके। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज कंसल्टिंग। इतनी बार मैंने अभी तक आप लोगों को बोला कंसल्टिंग हम करते हैं, हमारा USP है, हम इसमें एक्सपर्ट है, हम इसी चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं ये का। तो यहाँ पर लिखा है कंसल्टिंग इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड। कंसल्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर हम ये समझते हैं कि एक बिजनेस की नीड क्या है, एक बिजनेसमैन की नीड क्या है। उसके बाद हम ये समझना चाहते हैं उसकी चैलेंजेस क्या है, क्योंकि दो ही चीज़ों के कारण लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, या तो उनकी नीड है कि उनको आगे ग्रो होना है, या तो उनको बिजनेस में चैलेंज है जिसके कारण वो हमसे जुड़ेगी। तो उनकी नीड और उनकी चैलेंज को अंडरस्टैंड करके फिर हम क्या करते हैं, प्रोवाइड गाइडलाइन हेल्प स्टेप बाय स्टेप टू ग्रो दिस बिजनेस। मतलब वो दोनों चीज़ों को समझने के बाद एक पूरा का पूरा हम सेटअप तैयार करते हैं, एक पूरा स्ट्रैटर्जी हम प्लान करते हैं, जिस स्ट्रैटर्जी के अंदर हम उनको गाइडलाइन देते हैं और साथ में जो चीज़ वो न कर सके उसके लिए हम उनको हेल्प करते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, और वो हेल्प करके उनके बिजनेस को ग्रो करके हम उनको देते हैं। ये हमारा टोटल काम होता है और कंसल्टिंग का मतलब ये होता है। दूसरी तरीके से आपको समझाना चाहूँगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। एथलीट आपने देखे हैं, एथलीट हर साल हमारा ओलंपिक होता है और ओलंपिक के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं। तो जितने भी एथलीट होते हैं ना, उन सब लोगों के पास अपने कोच होते हैं। तो वो अपने कोच क्यों अपने साथ रखते हैं, क्योंकि परफॉर्म तो उनको करना है, कोच तो करेगा नहीं, तो कोच क्या करेगा,
कोच पूरे साल उनको वो एथलीट के अंदर परफॉर्म करने के लिए उसको प्रैक्टिस करवा के उसको तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी के अंदर जब हम जुड़ते हैं तो उसको कोच करने का काम हम करते हैं। जिम में भी हम लोग जाते हैं, उसके भी फॉर्म हम फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर ट्रेनर की ज़रूरत क्यों होती है? ऑलरेडी सारे सामान वगैरह तो वहाँ पर अवेलेबल होते ही है और हमें पता भी चल ही जाता है। तो पर्सनल कोच वहाँ पर हम इसलिए रखते हैं कि जो पर्सनली हमें गाइडलाइन दे, तो वो हमारा बॉडी पूरा जो होता है उसका पहले एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके चेक करता है कि आपको कौन सा फैट है, आपको वजन कम करना है तो आपको क्या खाने की ज़रूरत है, बढ़ाना है तो क्या करने की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से आपको डाइट जो है वो पूरा प्लान करके देते हैं, वर्कआउट जो करना होता है उसका पूरा प्लान करके देते हैं। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के अंदर भी दो अलग अलग कैटेगरी होती है, एक जनरल डॉक्टर होते हैं और एक स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हम जो है वो उसी तरीके से किसी बिजनेस के अंदर जब किसी को चैलेंजेस आती है या प्रॉब्लम आती है तो लोग हमारे पास आते हैं। तो वहाँ पर हमारा रोल जो होता है वो एक डॉक्टर का होता है, एक कोच का होता है, एक कंसल्टेंट का होता है। तो कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार, और ये चीज़ आज से हो रही है ऐसा नहीं है, ये चीज़ सालों से हो रही है। जैसे कि पहले के जितने भी राजा हुआ करते थे तो राजाओं का दरबार हुआ करता था, तो उस दरबार के अंदर राजा लोग जो है वो अपने साथ नौ रत्न रखते थे। अकबर के नौ रत्न आपने सुने होंगे, तो वो नौ रत्न जो होते थे वो क्या है, वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते थे, और उस एक्सपर्ट के पास राजा तब उनको साथ में लेकर चलता था कि जो प्रॉब्लम जनता उनको बताती थी और जिसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता था वो सलाहकार के पास से सलाह लेता था और फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व करता था। क्लियर हो रहा है? तो ये पहले से होते आ रहा है, और हमारा हिंदू जो है वो कल्चर का एक पार्ट है कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो हमें गुरु करने होते हैं। हम मोक्ष की बात ज़्यादा करते हैं, हमारे कल्चर में इसकी बात ज़्यादा होती है। तो मोक्ष को हासिल करने के लिए आपके पास एक गुरु होने चाहिए, तो गुरु आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, गुरु आपको मंत्र देते हैं, जिस मंत्र के उच्चार से आप अपनी ज़िंदगी में सिद्धि को हासिल कर सकते हो। तो उसी तरीके से जब बिजनेस को ग्रो करने की बारी आती है तो बिजनेस को गाइड करने वाले लोग होते हैं, और बिजनेस को गाइड करने के लिए बिजनेस में आने वाली चैलेंज या बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी गाइडलाइन जो है वो एक कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है। और ये कंसल्टिंग करने वाली कंपनी गुरुकुल नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा फॉर्च्यून 500 के अंदर जितनी भी कंपनियां जाती हैं उस कंपनियों को गाइड करने वाले उनके कंसल्टेंट होते हैं, और उनकी कंसल्टिंग जिनके पास से उन्होंने ली होती है उस कंपनी का नाम होता है मैकेंसी। तो मैकेंसी जैसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर है जो पूरी कॉरपोरेट कंपनी को गाइड करती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएसएमई कंपनियों के लिए काम नहीं करती। तो उनका जो टारगेट है वो कॉरपोरेट है, हमारा टारगेट जो है वो एमएसएमई। उनका सपना ये होता है कि कॉरपोरेट कंपनियों का आईपीओ लॉन्च करना, और हमारा सपना ये होता है कि किसी भी कंपनियों का एमएसएमई आईपीओ लॉन्च करना, कि जो हमारे साथ जुड़कर उनकी सक्सेसफुल जर्नी होती तो वहाँ तक उनको लेकर जाना होता है। क्लियर हो रहा है? और आप लोगों को ये भी बता दो, गुरुकुल जो है वो खुद का आने वाले 2 या 3 साल में आईपीओ लॉन्च करेगा, और उस आईपीओ के जो शेयर होंगे वो सबसे पहले गुरुकुल जो है वो अपनी टीम को बांटेगा। 25% शेयर हम आपको देंगे, 25% शेयर हम कंसल्टेंट जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उन लोगों को देंगे, और उसके बाद जो शेयरिंग हमारे पास रहते हैं उसका एक हिस्सा हम मार्केट को देंगे। तो पहले गुरुकुल के साथ जुड़ने वाले लोग जो होंगे, शेयर पार्टनर जो होंगे, वो गुरुकुल में काम करने वाले लोग होंगे। दूसरे जो उसके पार्टनर होंगे जिनको अभी तक हमने कंसल्टिंग दी है या सर्विस दी है, तो हमारे कस्टमर जो है उनको भी हम हमारे साथ जोड़ेंगे। और तीसरा हिस्सा हम बनाएंगे आम जनता को, कि उसमें अगर किसी को हमारे साथ आना है तो वो भी आ सकता है। तो क्लियर हुआ ये चीज? आगे बढ़ता, Why we should hire a consultant? क्यों एक बिजनेस को या क्यों एक कंपनी को कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए, या कंसल्टेंट को हायर करने का रीजन क्या होता है, वो हम बात करते हैं। बराबर?
लिखते जाइए पहले ये सारे पॉइंट, फिर हम डिस्कशन करेंगे, नहीं तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होगी। मुझे पानी पिलाइए। आज मेहुल जी आपका भी वाई क्लियर हो जाएगा कि अब हमें मार्केटिंग कैसे करना है और किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है। थैंक यू। जाने अनजाने के अंदर आप एक बहुत बड़े पर्पस के साथ जुड़ चुके हो, और ये पर्पस जब आप फुलफिल करोगे अपने लाइफ के अंदर, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा प्राउड फील होगा। क्योंकि ऐसे ऐसी सिचुएशन अभी हम देखते हैं और हमारे साथ फील होती है कि जब हम सोते हैं ना, तो हमें सुकून की नींद मिलती है और हमें अंदर से ऐसा प्राउड फील होता है कि आज हमने किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया। कल की एक स्टोरी में आप लोगों को ये लिख लो, फिर शेयर करूँगा, आप लोग थोड़ा और रिलेट कर पाओगे कि क्या रहा कल के दिन में। हमारी लास्ट टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कब हुई थी? बहुत टाइम हो गया ना। आप क्या दो बार लिखने वाले हो क्या? नहीं। तो इसमें क्यों पैड में क्यों लिख रहा है? पूरी थी ये तो ना, भी ले लो। बहुत लेसन कर लाला आपने महीने में। डायरी इसी चीज़ के लिए आपको दी गई है कि उसमें आप अपने डेटा जो है वो मेंटेन रखो। कोई मीटिंग जो रिपीट आए
तो वाई कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट को हायर करना क्यों जरूरी है उसके ऊपर हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कंसल्टेंट करता क्या है। तो आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को भी कंसल्टेंट बनना है अपने फील्ड का, जिस फील्ड के अंदर आपको काम दिया गया है। तो कंसल्टेंट का सबसे पहला काम होता है डीपली अंडरस्टैंड करना अबाउट यू, योर कंपनी एंड योर टीम। सबसे पहले कंसल्टेंट किसी भी कंपनी के अंदर जाएगा तो वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, तो वो क्या करेगा, ऑनर के साथ बैठेगा उसका एनालिसिस करेगा, उसके टीम के साथ बैठेगा उसका एनालिसिस करेगा, उसके कस्टमर के साथ उसके नंबर लेगा और उसका टेलीफोनिकली एनालिसिस होगा। और ये पूरा एनालिसिस करना ये रहता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है कंपनी की, उसको हम जान लें। और फिर कंसल्टेंट का काम होता है वो अंडरस्टैंड होने से उसको ये क्लियर होता है कहाँ कहाँ गैप आ रहा है या कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना। तो डीपली अंडरस्टैंड करना एज अ कंसल्टेंट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर। और कंसल्टेंट बनने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसल्टेंट का काम होता है राइट क्वेश्चन पूछना और उसके बाद अच्छी तरीके से उसको सुनना। सेकंड चीज़ जो हमें करनी होती है, फाइंड द एक्चुअल गैप इन दियर बिजनेस। बहुत सारी जगह पर ऑनर को टीम से प्रॉब्लम होता है, टीम को ऑनर से प्रॉब्लम होता है, कस्टमर को टीम से प्रॉब्लम होता है, टीम को कस्टमर से प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे बीच बीच में वैक्यूम होते हैं, गैप होते हैं। और उस गैप को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल कंपनी ग्रो क्यों नहीं हो रही है, उसकी वजह क्या है, वो हमारे पास निकल कर आती है। उसके बाद होता है क्लियर योर पाथ टू अवर विज़न। उसके बाद हम सबसे पहला एक विज़न प्लान करते हैं किसी भी कंपनी का, और वो 5 साल का होता कि 5 साल के अंदर कंपनी कहाँ जाने वाली है, उसका विज़न मिशन गोल बनता है और उसको लॉन्च करने का काम हम करते हैं। तो बहुत सारी कंपनियों में हमने विज़न लॉन्चिंग का काम किया हुआ है, उसको लॉन्च किया है। उसके बाद हम करते हैं मेक योर टीम। आपकी जो टीम है वो टीम को आपके विज़न के साथ अलाइन करना होता है। तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर टीम इस दिशा में जाती है, ऑनर इस दिशा में जाता है और कंपनी तीसरी दिशा में जाती है, मतलब हर बंदे एक दूसरे से अलाइन नहीं होते, अपने अपने हिसाब से करते हैं और लोगों को क्या लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो कंसल्टेंट का रोल ये होता है ये तीनों लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको कंपनी के विज़न के साथ जोड़ा जाए, तो वो करने का काम एक कंसल्टेंट करता है। उसके बाद होता क्या है, टू क्लियर डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर। 5 साल का प्लान हमने कर लिया कि 100 करोड़ की कंपनी हमें बनानी है, तो अब हमें सोचना ये पड़ेगा कि इस साल हम कहाँ जाएंगे, इस साल हम 10 करोड़ का प्लान कैसे करें, इस साल 10 करोड़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसका पूरा पाथ प्लान हम डिज़ाइन करके देते हैं, जिसको हम माइक्रो प्लान बोलते हैं। तो वो माइक्रो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको सारी चीज़ें जो है वो हम गाइडलाइन देते हैं। उसके बाद आता है टू क्लियर योर बिजनेस सिस्टम सेंट्रिक। तो हर कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं। कई कंपनियों के अंदर लोगों का आना जाना चालू रहता है और कई कंपनियों के अंदर नए लोग जो आते हैं वो लोग जल्दी तैयार नहीं हो पाते, 6-6 महीने साल साल भर लग जाता है। तो उसी कंपनी को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट के SOP बनाए जाते हैं। SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। आज इस चीज़ को आपको थोड़ा इजीली समझा मैं पाऊँगा। किसी 5-स्टार होटल के अंदर जब हम जाते हैं, 3-4 बार जब हम विजिट करते हैं और हर बार जब हम पनीर की सब्जी मंगवाते हैं तो हमें सेम टेस्ट मिलता है, लेकिन वही पनीर की सब्जी अगर महीने में या 2 महीने में 2-3 बार हमारे घर पर अगर बनती है तो क्या वो सेम टेस्ट रहता है? नहीं। क्यों? हमारे घर पर जो बनाने वाले हमारे मदर हो गए, हमारे सिस्टर हो गए या हमारी वाइफ हो गई, तो उनका बनाने का एक अंदाज़ होता है, तो वो अपने अंदाजे के हिसाब से बनाते हैं। और 5-स्टार होटल के अंदर जो बनाने वाले कुक होते हैं उनके पास होती है रेसिपी, तो वो क्या फॉलो करते हैं, रेसिपी को, वो अपना दिमाग नहीं लगाते।
तो उसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाली जो सिस्टम है वो होती है रेसिपी, उसको हम कहते हैं एसओपी, कि एक स्टैंडर्ड तरीका। तो अकाउंट में यही चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, मार्केटिंग में यही करना रहेगा, सर्विस में यही करना रहेगा, सेल्स में यही करना रहेगा, तो सब सेम चीज़ करेंगे और सेम चीज़ों को फॉलो करेंगे, और जब सेम चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आउटकम भी सेम आता है। तो ये बिल्ड करने का काम एज अ कंसल्टेंट हमारा होता है, एसओपी तैयार करना। उसके बाद आता है गाइड करना, मोटिवेट करना। बहुत बार कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोग जो होते हैं तो 365 दिन सेम नहीं होते, सबके घर के हालात सेम नहीं होते। मेरी घर की सिचुएशन आपकी घर की सिचुएशन सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो कई बार लोग मोटिवेट हो जाते हैं, कई बार लोग डीमोटिवेट होते हैं, कई बार लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, कई बार लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार लोग एक्साइटेड होते हैं, कई बार लोग एक्साइटेड होते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमें टाइम टू टाइम लोगों को मोटिवेट करते रहना पड़ता है। तो हम लीडर को भी मोटिवेट करते हैं जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं, उनकी टीम को भी मोटिवेट करते हैं, उनको भी हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने का काम एज अ कंसल्टेंट हम करते हैं। और लास्ट में आता है ऑल ओवर बिजनेस का ग्रोथ। और ऑल ओवर बिजनेस का ग्रोथ होगा कैसे, जब टीम को ये क्लियर होगा कि मेरा कंपनी में जुड़ने का ये पर्पस है और मेरा ये पर्पस फुलफिल होने वाला है, मुझे इतना ज़्यादा अर्निंग मिलने वाला है तो मैं मेरा बेस्ट दूंगा। जब ऑनर को ये क्लियर हो जाता है कि इस कंपनी को इतना प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें इतना प्रॉफिट मैं खुद लेकर जाऊंगा, और हमारे साथ जुड़े हुए जो कस्टमर है उनको भी क्लियर हो जाए कि ये कंपनी के साथ जुड़कर हमारा भी ग्रोथ होगा, मतलब सबका माइंडसेट जब ग्रोथ वाला होता है और एक सिचुएशन क्रिएट हम करते हैं जिसको कहा जाता है विन विन सिचुएशन। कई कंपनियों के अंदर होता ये है, ऑनर बहुत अच्छा ग्रो कर लेता है, टीम का कोई ठिकाना ही नहीं। कई कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि टीम बहुत अच्छा कर सकती है लेकिन वो कर नहीं पाती। तो ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं विन विन की, जहाँ पर सब लोग ग्रो हो, और जहाँ सब लोग ग्रोथ होते हैं वहाँ पर अल्टीमेट 360 डिग्री ग्रोथ होता है, और उस कंपनी को आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये ऐसा माहौल क्रिएट करना, ऐसा पूरा का पूरा सिचुएशन बिल्ड करना एज अ कंसल्टेंट, वो हमारा काम है। तो ये कारण होते हैं जिस कारण से किसी भी कंपनी को एक कंसल्टेंट को जोड़ना होता है अपनी कंपनी के साथ। तो आप लोगों को क्लियर हो चुके, आगे बढ़े, ग्रेट। अब हम बात करेंगे कि कंसल्टिंग के अंदर हम कौन सी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हमने अभी तक बनाई हुई है। तो कंसल्टिंग के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट होती है, कस्टमाइज होती है, लेकिन कोर अभी हमने 5 प्रोडक्ट बनाई हुई है। ये 5 हमारी मेन प्रोडक्ट है जिसमें से किसी एक के साथ हम किसी भी कंपनी को जोड़ते हैं या उनके ऑनर को हम जोड़ते हैं। सबसे पहला है पर्सनल काउंसलिंग, दूसरा है एचआर कंसल्टिंग, तीसरा है सेल्स कंसल्टिंग, चौथा है बिजनेस कंसल्टिंग, और 5वां है स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग। सो आज का हमारा प्रेजेंटेशन जो है, या आप लोगों से जो डिस्कशन करने के जो पॉइंट थे वो यहाँ तक के थे, और यहाँ तक हमने पहला पड़ाव जो है वो कम्प्लीट कर लिया है, और इतना नॉलेज अभी आप लोगों को इनफ है कि जिससे आपको ये पूरे वीक जो है वो काम करने का मौका मिले। नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, बराबर। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक हम अपना जर्नी रखते हैं और इन चीज़ों को डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि इसमें हम करते क्या। थैंक यू।